हमारे मेन कैरेक्टर्स ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अमेजिंग सी नाइट स्पेंड की, पर एक दूसरे के नाम भी उन्हें पता नहीं थे। आदरी उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर जब उस लड़की की आइडेंटिटी उसे पता चली तो शॉक था। उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। क्या इस सफर वो पार कर पाएंगे, ये हम क्रेजी अबाउट हर 2021 की एक रोमांटिक मूवी में हम देखने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर आदरी को क्लब में बात करता हुआ देख सकते हैं। वो अपने फ्रेंड से कह रहा था कि मुझे जो भी चीज चाहिए उसके लिए फाइट कर मैं उसे पा लेता हूँ। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके फ्रेंड कहते कि तुम तो जर्नलिस्ट हो, तुम तो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे। आदरी कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूँ, सारी चीजों के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेट करता हूँ, ये मेरा एक पैशन है। उसकी पिछली चीज को लेकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर तुम किसी भी चीज को पा सकते हो तो बहुत देर से जिस लड़की को तुम देख रहे हो उसे अप्रोच करो, उसके साथ घर जाओ। यही करने के लिए आदरी आगे बढ़ा तो कार्ला से टकरा जाता है। उसे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय कर सकती हूँ। आदरी उस दूसरी लड़की को देखता है और अपनी बेट के बारे में उसे बता देता है। कार्ला कहती है कि सेम टाइप की बेट मैंने मेरी फ्रेंड्स के साथ लगाई थी, क्या तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना अच्छा लगेगा। इसके लिए आदरी हाँ कह देता है। थोड़ी देर में कार्ला कहती है कि यहाँ पर मुझे बोर हो रहा है, आज रात मैं किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ और बाद में उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। उसे लगता था कि एक बार लोग एक दूसरे को जानने लग गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद उसे अपनी बाइक पर लेकर जाती है। वो इतनी फास्ट ड्राइव कर रही थी कि आदरी की जान ही निकल रही थी। वो एक होटल में आए और एक रूम बुक करने वाले थे, तभी कार्ला देखती है कि वहां पर एक वेडिंग चल रही है। वो आदरी से कहती है कि वेडिंग पर हमें फ्री ड्रिंक्स और डिनर सब कुछ मिलेगा। वहां पर सिक्योरिटी थी और उनका नाम चेक किया जा रहा था। कार्ला नाटक करने लग गए कि उसे बहुत ही लेट हो चुका है और यहाँ पर वो वेट नहीं कर सकती। चुपके से आदरी गेस्ट की लिस्ट देख लेता है, उनमें से एक नाम बता देता है। वेडिंग में अंदर आने के बाद इन्होंने देखा कि अलग इतनी सिटी की वेडिंग थी, फिर भी यहाँ पर वो एंजॉय करते हैं। एक आदमी स्पीच दे रहा था पर कार्ला को स्पीच पसंद नहीं आती तो खुद स्पीच देने लग जाती है। उसने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बहुत ही ब्रेव चीज है। तुम दोनों ने एक दूसरे के बैड डेज देखे हुए है फिर भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज है। उनके हैप्पी लाइफ के लिए चीयर करती है। इसके बाद सबके साथ वो डांस करते हैं। डांस करते करते ब्राइडल सूट की चाबी उन्होंने चोरी कर ली और वहां पर उसे लेकर आई। वो उसे कहती कि मुझसे कुछ रोमांटिक हो। वो प्रिटेंड करना चाहती थी कि आज रात प्यार में है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसने टाइम देखा तो कहती कि मुझे बहुत ही लेट हो चुका है और जल्दी से वहां से जाने लग गए। ब्राइड और ग्रूम ने इन्हें पकड़ लिया और सारा होटल का स्टाफ इनके पीछे भागने लग गया। उन्होंने डिसाइड किया था कि एक दूसरे के बारे में वो कुछ भी पूछेंगे नहीं, पर आदरी कहता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे फिर से मिलना चाहता था। कार्ला इसके लिए उसे मना कर देती है। वो पहले तो अपना नाम भी उसे बताकर नहीं जाने वाली थी पर उसे बता देती है। इसके बाद जल्दी से अपने बाइक पर वहां से भाग जाती है। जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू हम देख सकते थे। अगले दिन आदरी अपने फ्रेंड से कहता है कि कल की नाइट मेरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, एक लड़की से मैं मिला और बहुत मजा आया था पर उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो कुछ भी करके उससे फिर से मिलना चाहता था। ऑफिस में एडिटर ने एक मीटिंग ली। वो कहता है कि अलग न्यूज़पेपर, ये हमसे ज्यादा क्लिक्स ला रहा है, हमें कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेने पड़ेंगे। आदरी की कोर कर थी और प्यार के बारे में वो लिख रही थी पर उसकी हेडलाइन उतनी अच्छी नहीं थी। आदरी ने एक हेडलाइन सजेस्ट की और एडिटर को बहुत ही अच्छी लगती है तो उसका आर्टिकल वो आदरी को दे देता है। इस बात से कलीग को बहुत ही बुरा लग रहा था। कार्ला का नंबर ना होने की वजह से आदरी उसे कॉल नहीं कर सकता, उसका पता भी उसे पता नहीं है, तो इस वजह से अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की वो कोशिश करता है पर किसी भी चीज में उसका मन लग नहीं रहा था। अलग लड़कियों को उसने अप्रोच करने का ट्राई किया पर उसका मन नहीं लगता। बेचारे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी तो उसके फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आए। वो कहते हैं कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है। फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है। आदरी कहता है कि जाते जाते अपना जैकेट वो छोड़ कर गई थी पर उसमें कुछ भी नहीं मिला। उसकी फ्रेंड खुद ही चेक करती है तो अंदर के पॉकेट में उसे एक एड्रेस मिल जाता है। अगले दिन आदरी वहां पर पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट से उसने कार्ला का नाम पूछा। रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि क्या उसके साथ तुम्हारी विजिट शेड्यूल थी। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि यहाँ पर सब कुछ शेड्यूल के साथ चलता है, तुम ऐसे विजिट नहीं कर सकते। आदरी ने पूछा कि एक्चुअल में है क्या। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मेंटल हॉस्पिटल है। आदरी इस बात से शॉक था, तभी वहां पर वो कार्ला को देखता है। कार्ला ने दूर से उसे स्माइल किया तो आदरी उसे आवाज लगाने लग गया। गार्ड्स उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब आदरी को कुछ भी कर कार्ला से मिलना था तो मेंटल हॉस्पिटल में जाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसकी एक फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट को जानती थी तो उसके पास उसे लेकर आती है। उनसे पूछते कि क्या आप हमें फेक प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिससे वो मेंटल हॉस्पिटल में जा सके। डॉक्टर ने कहा कि इस तरीके से बेईमानी में नहीं करता पर मेरी ईमानदारी तुम खरीद सकते हो। इसके लिए उसने 1000 यूरो की डिमांड की। आदरी की फ्रेंड उसे कहती कि अंदर जाकर कार्ला का सिर्फ नंबर लेकर आना, उसके बाद जल्दी से घर आ जाना। वो अंदर जाता है तो वहां के डॉक्टर ने उसे टूर दी।
कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पर उसे साइन करने के लिए कहा। उसके बाद उसे एडमिट कर लेती है, उसके रूम में लेकर गई और एक पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका नाम था सॉल। कहती कि अब से तुम्हारा रूममेट है, यहाँ की सारी टूर तुम्हें यही करवाएगा। सॉल हमेशा हर एक चीज को लेकर सस्पिशियस रहता था। आदरी को देखकर उसे लगता है कि वो एक स्पाई है और इन पर नजर रखने के लिए आया हुआ है। टूर दिखाते हुए सॉल ने फिर से पूछा कि तुम किस पर नजर रख रहे हो। आदरी कहता है कि मैं कार्ला को ढूंढना चाहता हूँ। वो जरा सोचता है और इधर उधर की बातें करने के बाद उसे बता देता है कि वो पेंटिंग रूम में है। आदरी ने जाकर कार्ला की आंखों में हाथ रख दिया। वो पूछती है कि तुम हो कौन। आदरी कहता है कि हमने हमारी लाइफ की बेस्ट नाइट स्पेंड की थी। कार्ला ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों के नाम लेने लग जाती है। फाइनली उसके सामने आ गया। वो कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे थे, तुम्हें अचानक से हो क्या गया। आदरी कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। कार्ला कहती है कि वो बात सिर्फ एक ही रात की थी। आदरी कहता है कि कल तुमने मुझे देखकर स्माइल भी किया था। कार्ला ने कहा कि कल मैं बहुत ही हेवी मेडिसिन पर थी, किसी को भी देखकर मैं स्माइल कर सकती थी। आदरी पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। कार्ला कहती कि मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक आ गए, तुम पूरी तरीके से पागल हो। आदरी कहता है कि आसपास देखो, यहाँ पर सब लोग पागल हैं। उसे समझाती कि जिस लड़की को तुमने उस रात देखा था वो मैं नहीं हूँ, तुम मुझे पूरी तरीके से नहीं जानते, प्लीज यहाँ से चले जाओ। आदरी को इन सब बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लग गया। गार्ड उसे रोक लेते और जाने नहीं देते। वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सॉल ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरेज हैं और हर जगह पर गार्ड है, इस तरीके से तुम नहीं निकल सकते। वो गार्ड से पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। वो कहते हैं कि तुम्हें हेड डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या। आदरी कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। डॉक्टर कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने जब डॉक्यूमेंट साइन किए तो अपनी गार्डियनशिप मुझे दे दी, अब जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे उसी के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। आदरी कहता है कि मैंने सब कुछ झूठ कहा था, मुझे कोई भी कंडीशन नहीं है। डॉक्टर इस बात पर हंसने लग गए। वो कहती है कि हर एक पेशेंट मुझे यही कहता है। वो अपने जॉब के बारे में उसे बताता है और कहता है कि वहाँ पर कॉल कर लो, वहाँ पर कोई ना कोई तो वेरीफाई कर ही लेगा। डॉक्टर ने कॉल लगाया पर आदरी के कोवर्कर को कॉल जाता है। उसे पूछती कि क्या आदरी वहाँ पर काम करता है। कोवर्कर को सारी बात जब पता चली तो वैसे भी वो आदरी पर गुस्सा थी और इसी वजह से वो मना कर देती है। आदरी अब पूरी तरीके से वहाँ पर फंस चुका था, सारा गुस्सा अपने बेड पर निकाल रहा था। सॉल ने कहा कि सब लोगों से तुम अच्छी तरीके से बिहेव करो, अगर वो तुम्हें अच्छे से मार्क्स देंगे तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। इस हॉस्पिटल का एक अजीब सा एक नया ही रूल था। आदरी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना था। सॉल ने कहा कि और एक वे है, उसे खिड़की दिखाता है और वहां से वो जंप मार सकता है। आदरी ने अपने मन की तैयारी की, सॉल तो उसे धक्का ही देने वाला था पर फिर भी आदरी वहां से जंप नहीं मार सकता। वो कुछ भी कर अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है। फ्रेंड प्रिटेंड करती है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है पर डॉक्टर को वो बात पता चल के और इसी वजह से वो आदरी को बाहर नहीं निकाल पाती। उसने आदरी को खिड़की में देखा तो कहती है कि तुम्हारे एडिटर का कॉल आया था, वो आर्टिकल के बारे में पूछ रहा था। आदरी कहता है कि तुम्हें बोलकर बताता हूँ और सब कुछ तुम मोबाइल में लिख लो। मेंटल हॉस्पिटल में किस तरीके के लोग हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, इसके बारे में आदरी एक आर्टिकल लिखता है। आदरी को मेडिकेशन दी जाती है पर वो गुस्सा हो गया और कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। सब लोग उस पर इस बात से नाराज हो गए थे। सॉल उसे समझाता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो लोगों के साथ अच्छी तरीके से तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा। आज रात कुछ पेशेंट्स कार्ड्स खेलने वाले थे तो सॉल कहता है कि तुम भी वहाँ पर आ जाना। उसने उसे कुछ गोलियाँ दे दी। उनके गेम में वो गोलियों की बेट लगाते हैं। कार्ला तो पहले उसे मना कर देती है पर गोलियाँ देखकर वो गेम में ज्वाइन हो गया। या विक्टर नाम के पेशेंट को सब कुछ क्लीन चाहिए होता था तो उसकी उसे बीमारी थी, वहाँ पर मारता थी जो इनवॉलेंटरी लोगों को बोलते बोलते गालियाँ दे देती थी। इसी तरीके से सब लोगों के इश्यूज थे। विक्टर हाथ धोने के लिए गया तभी आदरी को पता चलता है कि मार्ता उसे लाइक करती है। आदरी ने कहा कि तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए पर मार्ता हमेशा गालियां दे देती है तो एक प्रॉब्लम था, वो अपनी फीलिंग सही से बता नहीं पाएगी। आदरी उसे हेल्प करने लग गया पर कार्ला को नहीं लग रहा था कि उसे एक्चुअल में हेल्प कर पाएगा। आदरी कहता है कि अगर मैंने मार्ता की सचमुच में हेल्प कर दी तो आप सब लोग मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स देना, यानी कि मैं बाहर निकल सकूं। अगले दिन सॉल आदरी से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसकी एक्स वाइफ उसकी डॉटर को लेकर उसे मिलने के लिए आ रही थी। सॉल नहीं चाहता कि उसकी डॉटर भी उसे पागल समझे तो इसी वजह से कोट वो पहन लेता है और आदरी को भी एक कोट उसने पहना दिया। उसने आदरी को भी प्रिटेंड करने के लिए कहा कि वो डॉक्टर है। वो अपने बेटी के सामने डॉक्टर होने का प्रिटेंड करता है और अच्छा सा टाइम स्पेंड करता है। उसकी एक्स वाइफ अब किसी और के साथ थी। आज कार्ला के भी पेरेंट्स उसे मिलने के लिए आए हुए थे। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उनके कार से उसने बाइक बाय कर ली थी। कार्ला उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बीमारी की वजह से उसने एक डिसीजन लिया था, वो उन्हें हैंडल नहीं करवा रही थी और वहां से जाना चाहती थी। आदरी देखकर प्रिटेंड करता है कि वो डॉक्टर है और कहता है कि कार्ला को गोलियां लेने का टाइम हो चुका है। सॉल को उसकी बेटी ने एक पेंटिंग दी थी, उसे बहुत अच्छा लगता है।
आदरी फिर मार्था के पास गया, उसे कुछ पिकअप लाइंस देता है, उसे बोलने की प्रैक्टिस करवा लेता है। वो उसे विक्टर को बोलने के लिए कह रहा था, क्या तुम्हारा नाम गूगल है? क्योंकि जो भी मैं सर्च कर रही हूँ ये सब कुछ तुम्हारे पास है। ये बोलते बोलते उसके मुंह में बहुत बार गाली आ रही थी। नेक्स्ट डे आदरी ने उसे मोटिवेट किया और विक्टर से जाकर बात करने के लिए कहा। अचानक से बाहर बारिश आने लग गई थी, पर फिर भी आदरी उसे मोटिवेट करता है। वो विक्टर को बताने लग गए, पर उसके मुंह में फिर से गाली आ जाती है। वो नर्वस होकर वहां से चली गई। आदरी फिर से उसे बोलने के लिए कन्विंस करने लग गया। ये सब कुछ कार्ला देख रही थी। वो मार्था को कहते कि तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही अगर विक्टर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा तो ही ये वर्थ इट है। इसके बाद मार्था फिर से विक्टर के पास गए। वो कहती कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। विक्टर भी शर्मा गया और कहता कि शायद मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। इसके बाद दोनों करीब आकर किस कर लेते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। आदरी को नेक्स्ट मीटिंग में बहुत ही अच्छे मार्क्स देने वाले थे। आदरी अपने रूम में आता है तो सॉल बहुत ही अपसेट था। वो कहता है कि मेरी एक्स वाइफ का लेटर आया। वो कह रही कि अब मैं मेरी डॉटर से नहीं मिल सकता, शायद ये सब उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। आदरी उसे समझाने की कोशिश करने लग गया, पर सॉल कहता है कि मुझे अकेला रहना है। आदरी कार्ला के साथ हैंग आउट कर रहा था, उसे पूछता है कि तुम्हें एक्चुअल में हुआ क्या है। कार्ला कहती है कि मैं बाइपोलर हूँ, कभी कभी वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसे सब कुछ करने का मन करता है। इसके बाद अचानक से उसका मूड खराब हो जाता है और वो बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। जिस रात वो आदरी से मिली थी ये भी उसका एक्साइटमेंट का एपिसोड था। आदरी पूछता है कि तुम्हारे साथ ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था। कार्ला कहती है कि मैं 13 साल की थी और एक अलग कंट्री में जाने की कोशिश कर रही थी। आदरी कहता है कि अब तो बहुत टाइम हो चुका है, अब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हो, अगर तुम एक बार ठान लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसे हर एक स्टेप में मदर करना चाहता था। कार्ला इस बात के लिए उसे मना कर देती है। आदरी अपने रूम में आया तो वहां पर सॉल नहीं था, वो खिड़की से कूदकर भाग गया था। आदरी कार्ला के पास आ जाता है, कहता है कि पहले भी तुम भाग चुके हो, सॉल को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। कार्ला ने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी चुरा ली और हर जगह पर उसे ढूंढने लग जाती है। सॉल अपने डॉटर के घर पर जा रहा था। कार्ला उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो हमेशा के लिए अपनी डॉटर को खो सकते हो। सॉल अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कार्ला कहती है कि हमारे साथ चलो। उसके एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड की कार के पास हो गए और उसे तोड़ने लग जाते हैं। सॉल कहता है कि मैं भूल गया था कि क्या मेरे एक्स वाइफ के बॉयफ्रेंड के पास कार भी है। सॉल ने घर के सामने उसके डॉटर ने उसे जो पेंटिंग दी थी वो रख कर गया था। उसके एक्स वाइफ देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। अब अगर आदरी जाता तो यहाँ से जा सकता था, पर कार्ला के लिए यही पर रुकने का वो डिसाइड करता है। कार्ला उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। हॉस्पिटल की सबसे हाइटेड जगह पर उसे लेकर आए और वहां से वो सनराइज देखते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो कहती कि मैं हमेशा यहाँ पर अकेले आती हूँ, पर आज मुझे इसे शेयर करना था। उसे पूछती कि क्या मैं सचमुच में ठीक हो सकती हूँ। आदरी कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वो जरा डर रही थी तो आदरी कहता है कि अपनी फीलिंग से इस तरीके से भागना बंद कर दो, तुम्हें मैं जितना जानने लग गया उतना ही मैं तुमसे प्यार करने लग गया। ये सुनकर उसे किस कर लेती है। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। वो दोनों करीब आ गए थे, पर कार्ला कहती कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। आदरी कहता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। कार्ला एक्साइटमेंट में अपनी मेडिकेशन लेना बंद कर देती है। एक दिन वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत जल्दी आदरी को उठा देती है। रात में आदरी उसे ढूंढने लग गया, पर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो सुबह से गायब थी। हॉस्पिटल की सबसे ऊंची जगह पर उसे देखने के लिए गया तो वहां पर कुछ चीज वो देख रही थी। वो कहती कि पहाड़ों के पीछे मैं सी देख सकती हूँ। उसे लग रहा था कि वहां पर वो जा सकती है, वो शायद वहां से जंप मार देती है। तो आदरी ने उसे पकड़कर पटक दिया। वो डॉक्टर को बता देता है कि कार्ला अपनी मेडिसिन ले नहीं रही थी। जब कार्ला को होश आया तो आदरी पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती कि तुम्हें डॉक्टर्स को नहीं बताना चाहिए था, तुम मेरी लाइफ के साथ इस तरीके से खेल नहीं सकते। वो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। स्टार्टिंग में आदरी जब इस हॉस्पिटल में आया था तो उसने जो आर्टिकल लिखा था वो अब पब्लिश हो चुका है। सब लोग ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं, उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इस आर्टिकल के बारे में डॉक्टर को पता चला, वो कहती कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने कहा कि हम यहाँ के पेशेंट को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, उनकी जो बीमारी है उसी के साथ वर्ल्ड में जीने के लिए उन्हें रेडी करते हैं। सॉल की वाइफ उसकी डॉटर को उसे मिलने देती है। सॉल ने इस बार प्रिटेंड नहीं किया कि वो डॉक्टर है, वो जैसा था वैसा अपनी डॉटर के सामने जाता है और उसे एक्सेप्ट करती है। दूर से आदरी ये सब देख रहा था। उसे कहता है कि इस सब में तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तुम भी एक बहुत बड़े पागल हो, पर सिर्फ तुम्हें पता नहीं है। घर जाकर आदरी एक आर्टिकल लिखता है
जिसमें उसने अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ था। इसके एंड में वो लिखता है, कार्ला से मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद कार्ला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहते कि हम सबको उसके पास जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि उसने बहुत ही घटिया आर्टिकल लिखा है। उन्होंने हॉस्पिटल स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद गाड़ी लेकर जा रहे थे और डॉक्टर ये देख लेती है। वो जल्दी से वहां से भागे तो डॉक्टर भी उनका पीछा करने लगे, पर ज्यादा दूर तक वो पीछा कर नहीं पाए। डायरेक्टली आदरी की मीटिंग में पहुंच जाती है। उसने कहा कि तुमने बहुत ही घटिया आर्टिकल लिखा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते। आदरी कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। कार्ला कहती है, मैं बाइपोलर हूँ, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो क्या मेरे लिए फाइट भी नहीं करोगे। आदरी कहता है कि ऑफकोर्स करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। कार्ला कहती कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, पर आदरी कहता है कि मेरी प्रॉब्लम है, वो हर एक चीज को उसके साथ हैंडल कर सकता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वो दोनों टाउन में गए और साथ में बहुत पार्टी करते हैं। वो अपना नंबर उसे दे देती है। वो अभी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, पर जब वो अच्छी हो जाएगी तो आदरी के पास फिर से वापस आ जाएगी। आदरी भी उसके लिए वेट करने वाला था। वो जैसी थी वैसा उसे एक्सेप्ट करता है। इसी एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मूवी एंड हो जाती है कि प्यार में एक दूसरे को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जैसे है वैसे हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक दूसरे के सपोर्ट के साथ वो रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाली है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।